अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, क्या हाल चाल है, सब कैसे हैं। आज मैं बनाने जा रहा था चिकन टेंडर्स। अक्सर आपने देखा होगा KFC वगैरह में चिकन स्ट्रिप्स मिलते हैं। जैसे कि मैंने बोनलेस चिकन ले लिया और चिकन स्ट्रिप खुद कर ली है, आप देख सकते हैं। इसको अच्छे से वॉश करके हम चिकन स्ट्रिप्स की मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए मैंने मसाले लिए। सबसे पहले जो है वो हम गार्लिक पाउडर डाल लेंगे। सबसे पहले मैंने 1/2 टीस्पून गार्लिक पाउडर लिए, उसके बाद 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर लिए। उसके बाद जो है मेरे पास पेपरिका पाउडर है, वो हम ऐड कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले जो है मैंने ये 3 मसाले जो है ऐड कर लिए। उसके बाद जो है हम इसमें हर्ब मिक्स ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हर्ब मिक्स ऐड करने के बाद जो है हम इसमें चिली सॉस थोड़ा सा ऐड करेंगे टेस्ट अच्छा करने के लिए। उसके बाद जो है हम इसमें थोड़ा सोया सॉस डालेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लास्ट में 1 टीस्पून जो है सॉल्ट डालेंगे, हसबे जायका आप लोग भी डाल सकते हैं अपने हिसाब से। मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट लिए। इसको अच्छे से मिक्स करके 1 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए मैरिनेशन करके रख देंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने मैरिनेट वगैरह करके सब मसाले वगैरह लगा के चिकन टेंडर्स जो थे वो रेडी हो चुके हैं। अब मैंने जो है कोटिंग करने के लिए एक अंडा लिया है, जिसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, और मैदा लिया है जिसमें मैंने काली मिर्च और ब्लैक वाइट पेपर जो है मैंने ऐड करा है। अंडे में हम थोड़ा सा मिल्क ऐड करेंगे। सबसे पहले हम फ्राई करने के लिए पैन ले लेंगे, उसमें हम ऑयल ऐड करेंगे क्योंकि हमें डीप फ्राई करना है। तो चिकन जो है वो हमारी हमने 1 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख दी थी। अब हम इसमें जो ये मैंने 2 अंडे लिए थे और मिल्क इसमें लिया था, ये जो है हमारा मैदा है। तो सबसे पहले जो है हम ऑयल जो है हमारा लो फ्लेम पर हमने थोड़ा सा हीट करने के लिए रख दिया है। ऑयल जो है हमारा अच्छा सा गर्म हो जाए, उसके बाद हम इसमें फ्राई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम जो है इसको अंडे में डालेंगे। उसके बाद हम इसको मैदे में कोट करेंगे। उसके बाद फिर हम जो है इसको एक बार अंडे में डालेंगे अच्छा क्रिस्पी करने के लिए। उसके बाद फिर जो है मैदे में ऐड करेंगे। तो हमारे चिकन स्ट्रिप टेंडर्स जो हैं वो मैंने मैदे में और अंडे में जो है उनको अच्छे से कोटिंग कर ली है। अब हम इसे 1 बाय 1 फ्राई करते हैं। हमारी नीचे वाली साइड जो थी वो देखें आप ब्राउन हो चुकी है। अब हमने इसको फ्लैट लिया है, 1 बाय 1 करके हम इनको फ्लैट लेंगे सबको। आप देख सकते हैं ये अच्छे से ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसको प्लेट में निकाल के सर्व करेंगे।
देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी और कितनी अच्छी बनी है। अब इसको देख सकते हैं और कितनी टेंडर है। देख सकते हैं आप कितनी टेंडर और कितनी क्रिस्पी बनी है। इस रेसिपी से बनाएंगे तो आप KFC की चिकन भूल जाएंगे, और जब इसको सॉस में डीप करेंगे तो इसका अपना ही एक मज़ा है।